राधा बोली ब्रशवान पिता, जो बरसाने मेरे हते मैया को नाम कीरति है और हमें शुभान पिता जो बरसाने मेरे थे मैया को नाम कीरति है और हमें राधिका कहते बिटिया छोटी सी चतुर बिटिया छोटी सी रति डोली में लगी कहा ब्रशवान पिताजी हैं और यश कीर्ति मेरी माँ है। भक्तों जैसी मैया ने सुना तो एकदम दिमाग में झटका लगा। कीर्ति और यशोदा मैया सहेली थी बचपन में। एक कीर्ति तूने इतनी आज लली पैदा कर ली और हमें बताओ नहीं। आज धीरे धीरे के लली ओ बिटिया ऐसा करो आज तुम रुको और कल चली जाइयो। आज हाँ चलो तो ठीक है। तो फिर बोली मैया मैया बोली तो बेटा ऐसा करो तुम्हारा मन ना है तो जे अब अपन घर है। जब मन करे तब आए जाया करियो, जब मन करे तब चली जाइयो। ठीक है बिटिया जी अपन घर है। आज जब राधा रानी बोली भगवान यशोदा मैया बेटी तो मेरी माता और बहनों जितनी मैया हो गई तो जी पहले सोचे कब हमारा लला बड़ो हो कब ब्याह हो कब बहू लावे। तो मैया के मन में विचार आई कब लला मां बड़ो हुए जब राधा जैसी गोरी घर में आई। सोई भगवान कन्हैया बोले मैया मैया कर दे मेरो ब्याह मगाई दे दुल्हनी गोरी। सुनी सोई गाल में दो चार गुलचा लगाए थे। अभी ब्याला के है वो तू लला के सोवर के नाजू ना पट्टे हो। लला कह रहे हम ब्याह करते हो कैसा तिलक लगा के आए हो देखियो पल्लक चोरे
काजल लगाया हुआ बड़ा बड़ो देखियो और कहा बताओ भगवान कन्हैया शांत बैठ गई। राधा रानी चली तो कहीं ए कन्हैया हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़े हुए आए, तुम हमें छोड़े हुए नहीं जाओगे कहा। ये कौन सी बड़ी बात है, चलो जी कौन सी बड़ी बात है, चलो बातन कन्हैया कीर्ति के यहाँ पहुँच गए। कीर्ति मैया के लली जी लला के न को है जी, हमने पहली बार देखे कंते आओ ललो। ए बेटा तुम किन के हो बेटा, पहली बार देखे हमने तो बड़ा नीके लगे सावल और रंग किन के हो बेटा। पापा को नाम पूछियो का नाम है। राधा रानी बोली तुम नहीं जानते मैया इनके मुंह में इतनी मीठी मीठी बोली बोले, अब शांत है लेकिन जब बोले तो इतनी मीठी बोले जैसे मिठाई को शरबत हो। अच्छा इतनी मीठी बोली। अच्छा हाँ आज जब कहा तो कीर्ति मैया ने क्या किया छोटे भैया ऐसा ही नहीं। अरे कीर्ति ने बड़े प्यार से गोदी में बैठाया, भोजन खिलायो कई लल्ला तुम्हें सुबह फिर आई कई मैया यशोदा को लल्ला है नंद बाबा को आखिन को तारो है। अच्छा ये बात वो नहीं के लल्ला है जी, वो नहीं क्या है। कीर्ति बोली 80 साल की उम्र में लल्ला को पैदा कर लो हमें खबर तलक ना है। बिटिया लला तुम ऐसो करो अब जी अपन घरे बेटा जब मन करे तब आ जाया करियो ठीक है बेटा जाओ। हाँ। अब शाम होना आइए चलो। जब कहा श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परिचित। जब कहा कि प्रभु आपकी लीला परंपार है जब बताया गया है राधा रानी आज चली हैं भगवान। श्याम बोले राधा रानी हम तुम्हें छोड़ने के लिए आए क्या तुम हमें द्वारे तक नहीं छोड़ोगे। राधे रानी बोली जी कौन सी बड़ी बात है चलो। हाय प्रेम हो तो ऐसा हो क्या चले। तो राधा रानी भगवान कन्हैया बोले ही राधे हमें आपके बिना चैन नहीं आता है, रात में चैन नहीं दिन में चैन नहीं रात में नींद नहीं राधे
राधे बोली, हे श्याम, जब तक मैं आपको नहीं देख लेती तो मुझे भोजन पानी भी अच्छा नहीं लगता हे प्रभु। और बोले, आज राधा रानी भगवान श्याम सुंदर का हाथ छोड़ के चली तो आज भगवान रोने लगे। राधे चली परेशान, राधे चले परेशान, कन्हैया से सखी लेके रो हमेशा याद रखना, प्रेम होना चाहिए सच्चा। सच्चा प्रेम तो भगवान का नहीं है। रोन लगे लेकिन का करी, अब हम घर नहीं जाइए, भाई खिड़क में भैया भगवान का नहीं है, छुपे भाई खिड़क में। जब वाई खिड़क में भगवान कने या छुपे गए के राधा गाय धोन को आती है तब दर्शन करें। आज सब सखी ललिता विशाखा शीला मंजू शरला सभी एक थोरे हुई बैठी हैं और कहा, क्या हुआ? अरे सब सखियां बाजोरिया लगा। अरे
के मुसीबत के को चक्कर बाजब में चौंक गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज सब सखी बोली और ही बहना ललिता विशाखा बेटे बोली, ओए ललिता आज तो हमारे घर कन्हैया जरूर ही जरूर जरूर ही जरूर आई है। आज हमारे घर आई है ए डारी कितने घरे कई कोई ओते घरे कई को। एक बात बोले ब्रज में जिगारी अधिकतर देवदारी की। बोले तेरे घरे तो बिल्कुल नहीं है, ये मेरे घरे आए हैं। मेरे घरे तेरे घरे काई को आई है मुझे बता। तू बता पहले। मेरे घरे जासू आई है सुन ले। मैंने संध्या से भोर तलक क्या मैंने उन्हें की रटन लगाई है। अच्छा उन मनमोहन की जिमाई भी तू श्यामा को दूसरी बोली है दारी कितने घरे ने ये मेरे घरे हैं का सुन। बोली तू नहीं जानते मेरे घरे जासू हैं है। तेने उन्हें के नाम की रटन लगाई है लेकिन सुन मैंने रात दिना सोबत जागत मोहन कोई ध्यान लगायो और मोहन को जिमाई वे को श्यामा को दूध जमायो जासू बोली चटनी बताई है तासू आई है। सुने मैंने संध्या से भोर तलक आज संध्या को मथुरा जी से आज संध्या को मथुरा जी से ताजी मिश्री मंगवाई है उन मनमोहन के बुलाई वे को उन मनमोहन के बुलाई वे को छोटे पे खबर पटाई संध्या को मथुरा जी से ताजी मिश्री मंगवाई है उन मनमोहन के बुलाए
जासू आई है। अच्छा हाँ सब से बोल देगी जा कहूँ मैं कन्हैया मिले बोल दिए कि हम बुलाए रहे उन्हें। बोली अच्छा जाऊं फिर का देखे हाँ आज जब कहा तभी राधे रानी दूर से आ रही। दूर से राधे रानी को आत्मा देखो तो ललिता उनकी बेस्ट फ्रेंड है आगे को बड़ी बहना। इधर एक सगी बोटी ए बहना जी सकी काय को चुप बैठी हम बहुत देर से देख रहे हैं पर्दा करें बैठी हैं। पर्दा करें हाँ कछु का बात है बहना कामने कछु कही का तुम परेशानी है ने का बा बहुत बोले का करे बहुत सब हमने तो भगवान कन्हैया को देखो ही नहीं। काय बहना तूने काय नहीं देखो बिल्कुल ही ना देख पाए थोड़ो तो देखो होगो ना कहू बोली सुने कैसे देख लेते बात जी का कौन सी बात आई बोली पैर नी हुई गई चुनरिया। अच्छा पैर नी हुई गई चुनरिया ना देख सकी पैर नी हुई गई चुनरिया ना देख सकी बोली थोड़ा बहुत तो देखो बिल्कुल अरे जैसे जैसे मैंने पर्दा हटाए जैसे जैसे मैंने हम सब नाच कूद के अलग हुए वो तेरे
तू ना की और वह तेरे हुई है। बहना जी बताए दे कौन से बकसा में बंद कर लो हुआ तूने, बताए देने का मुंह दर्शन कर ले तेरे तो आई है। राधे बोली क्या भगवान कन्हैया कि ना ही मालूम है कि खिड़क में बैठ के सब बातें देख रहे छुपे रहे सुन नहीं। बोली है बहना तू नहीं जानते हैं विवाह कोई प्रेम थोड़ी हुआ करता है क्या। सुन एक जन्म की चलत का सात जन्म तक मेरो न के संग ब्याह ना हो का। अच्छा विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं वो तो व्यापार का था। विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं वो तो व्यापार का था। विषयों जीवों का विषयों ही तक ये नाता है। छोटे भैया तुम नहीं जानत हमारी बात तू सरी है कौन सी हम कहा जानते पतो है कौन सी मैं ऐसा बाग चाहती हूँ चाहती हूँ जिस किन सकलियाँ खिल रहे आत्मा सुआत्मा शांति रही अखियन से अखियाँ मिल रहे आत्मा सुआत्मा शांति रही अखियन सूर्य अखियाँ मिल रहे आत्मा सुआत्मा शांति रही अखियन से अखियाँ मिल रहे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कहाँ बहना मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी नित्य कलियां खिली रहे आत्मा सुआत्मा शांति रहे अखियन श्री अखियाँ मिली रहे। बहन और सुन ये बता तो कहाँ मिलेंगे भगवान का नहीं और सुन कीर्तन जिनका होता होगा होगी ना कपट की चाल जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल जहां नाचते मिलेंगे वही ललिता यशोदा नंदन गोपाल छोटे भैया ऐसा ही नहीं रखा होगा आराधन से वहां प्रेम परोसा थालवा जी मिट्टे मिलेंगे वही ललिता यशोदा नंदन गोपालवा कीर्तन जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल जहां नाचते मिलेंगे वही ललिता यशोदा नंदन गोपाल होता होगा। आज क्या हुआ सब गोपिकाएं चली गई अपे अपे घर है। आज राधा रानी के अंदर भाव जागा प्यार होना चाहिए तो ऐसा कहा
कि इन आंखों से भगवान श्याम सुंदर के अलावा किसी और को नहीं देखूंगी। और कहते नहीं है ऐसी हम चाहन हार नहीं, ताराचंद भैया, ऐसी हम चाहन हार नहीं जो आज में कल और कुछ फेंक देने ननकार दो और छोटे भैया ऐसी वैसी नहीं हम, ऐसी हम चाहत हार नहीं जो आज ने कल और कुछ फेंक देने ननकार दो जो कर ओ नहीं सुखे ओ नहीं खुसराए जोनू दे रहे जग में सोनू हम प्रीत की रीत निवाए कहां ऐसी हम चाहन हार नहीं जो आज उन्हें कल और कुछ चाहे फेंक देने ननकार दो जो और की और करे निगाहें मैं इन आंखों को निकाल करके फेंक दूंगी जो किसी और की तरफ गई लाख मिले उनसे बढ़कर ओ नहीं सुकाऊं ओ नहीं कुसराऊं जो नू देह रहे जग में तो नू हम प्रीत की रीत निभाए। पर आजकल की क्या कहती है, आजकल की कोई पतिव्रता नहीं पता, वो नहीं बोलेंगे कि हम आग निकाल के फेंक देंगे कहू और की तरफ जाए। पर विद्वान हमेशा याद रखना नहर समय पे ना आवे, छोटे भैया नहर समय पे ना आवे तो घर की नाली अच्छी सुंदर नारी अब गुड़ वाली से पतिव्रता काली समय पे ना आवे तो कर की नाली सुंदर नारी अब गुड़ वाली से पतिव्रता काली कहा सुंदर नहीं होना चाहिए सबसे पहला ज्ञान। कहते हैं प्रभु को पाने के लिए तन की नहीं, तन की सुंदरता जरूरी नहीं है, प्रभु को पाने के लिए मन की सुंदरता जरूरी है। आज राधा रानी बोली इन आंखों से किसी और को नहीं देखूंगी, राधा रानी मई की मई लेते हैं। आज कीरति मैया सब सखियां देखी राधा, राधा क्या हुआ, बोली ललिता मैया राधा रानी को कोई सांप खाए के चला गया मैया, आज कीर्ति मैया रोते हुए आई, हे भगवान क्या हुआ, और रोने लगी। और कीर्ति मैया बोली ले राधा को गोद कीरति बिलख बिलख रही जाए रे, ले राधा को गोद कीरति बिलख
कट जाइए तो में जाए समाए कर राधा की याद की रती गैया फट जाए तो में जाए समाए कर राधे की आज कीरति बिलक बिलक रह जाए रे अरे उनकर जियरा कर सब जावे जिन पे पुत्र शोक पड़ जाए अरे उनकर जियरा कर सब जावे सिर पे चढ़े नार मर जाए अरे मैया के जियरा कर सब जावे राधा की दशा देखने पाए कृष्ण कन्हैया तुम मने गाए जाओ मेरी नैया को लगाए दो जाकी काली काली जुल्फे मेरी आराम जाकी काले काले जुल्फे मेरे दिल में बस गए दिल में बस गई है हमारे दिल में बस गई जाकी काले काले जुल्फे बोली वृंदावन बिहारी लाल आज जब सब तरह से इलाज कराए जब कराया लेकिन क्या हुआ उसी समय समय के अभाव से कथा को लेकर के चलेंगे लेकिन राधा को कुछ नहीं हुआ सब अंत मंत तंत्र जो भी जितने भगत है पाकिस्तान के राजस्थान के सब बुलाए लेकिन राधा ठीक ना है जब राधा ठीक ना है वही समन्न को बुलाए लो तो उसी समय पर श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परिचित आज राधा बिल्कुल सही नहीं हुई उसी समय पर आज बोली है ललिता कि राधा रानी सही नहीं होगी सही करवाना तो एक उपाय क्या आज श्री सुखदेव जी कहने लगे ही राजन परिचित काफी दूर दूर की भगत बुलाई लेकिन राधा रानी बिल्कुल सही नहीं हुई काफी मन में विचार है हे भगवान कैसे भी करके राधा रानी सही हो जाए डर श्री सुखदेव हाथन में लहर नीमक भिगो करके सब काली काली करन लगे सब उलटे सब काले काले करने लगे सब उलट सीधे हो करके सब काले काले करने लगे सब उलट सीधे हो करके सरस्वती बहना एक बात याद रखना क्या सूरज छिप जाए मेघ पाकर चंद्रमा अमावस आने को लेकिन ये प्रेमी नैन कभी छिप सकते नहीं छिपाने को उसी समय पर सब जगह इलाज कराया लेकिन राधा ठीक नहीं हुई जब कीर्ति मैया विलाप करती है हे भगवान क्या कारण है तब ललिता मैया बोली बहना
मैया राधा रानी सही हो जाए कैसे कि जहाँ काले नाग ने खावे भाई नागे पकड़ के लाते बाल सही होती है कैसे तू का जानो ते भाई कि मैया बाकी अम्मा कक्का कुजा ने कोनवा खानदान कुजा ने बाल पकड़ के लाए यशोदा मैया की द्वारी की ये यशोदा मैया के बार कोनो यशोदा मैया बोली मैया मैं ललिता राधा की बेस्ट फ्रेंड हूँ फ्रेंड मैया कन्हैया का कन्हैया से बहुत जल्दी काम है हम थोड़ी जल्दी में जल्दी बताओ का है दम तो ले लेना नहीं मैया हम आज थोड़ी घबड़ आए ना जल्दी बताओ बात का है मैया जो राधा राधा थी गोरी गोरी भाई कब सांप ने खाए लोग कब आज ही सुबह रे फ्रिजा काले भी आई मैया कन्हैया पहुंच जाएंगे तो सही है जावेगी भूखा कछु जानते सुन पारो कानो कुनवा तब तक भगवान कन्हैया आ गई का मैया तू नहीं जानते गईया चराते चराते माने बहुत बड़ी बड़ी जादूगरी सीख लई है जड़ी बूटी अच्छा आज जब तब तक कन्हैया आई और 5 मिनट का प्रश्न है तो उसके बाद पापा जी आचार्य राकेश महादेव जी के मुखारविंद द्वारा सभी कथा को सुनेंगे समय के अभाव से इधर जब कहा बोली मैया आज मेरी आंखों में काफी तेज दर्द हो रहा है मैया क्या हुआ कुछ परेशानी है का परेशानी बन गई रात से मैया बहुत तेज दर्द हो रहा है कहा करें जी लग रही है जैसे ऊपर से कोई तीर से हमारी आंखें में देखते हैं बड़ा दर्द हो रहा है सोई ललिता बोली बस तुम्हारा इलाज राधा के पास है राधा को इलाज तुम्हारे पास है अब मरीज मरीज को इलाज करेगा चलो चलो उसी समय पर आज गई और क्या हुआ भगवान कन्हैया गई और भीड़ भाड़ लग रही सबसे गई एक साइड में जो सब देखने लगे जो छोटो सो कन्हैया जी का इलाज विलाज करवे जानतो है कई भगवान कन्हैया कछु जान तो कछु चाहिए बोले का करें हमने तो कबू भगत ही करियो नाए हमने तो कबू भगत ही अगत ही करियो नाए कहां मगाए अच्छी काम करी चावल की थाली ले ललिता बोली ले कहीं हे भगवान आज तो अच्छी तरह से फंसी है जगह में कबू भगत ही करी हो तो बताए अच्छे कपूर और ले आए और कछु चाहिए और कछु का कह सु करके जा भर पा रहे हैं फिर कबू नहीं हमें ऐसा काम करे बोली अच्छा अच्छे काम करी कि जल को लोटा ले आओ ले जल को लोटा दे दो कई अब नीम के ले रहे हो तो ले रहे क्यों तोड़वा लो नीम के ले रहे हाँ नीम के ले रहे ठीक है बुला रहे हैं इधर कहा पाओ तो भगवान बोले देखो जो हमारी भगत ही को आंख इनती देखा तो अंधो हो जातो है कान अंत सुनतो है भेड़ो हो जातो है जासू तुम ऐसा करो अलग हो जाओ और हमें अकेले छोड़ दो सब अलग चले गए ललिता बोली देखो चाहे हम कान अंत भेड़े हो आंख इनती अंधे हो हम कहीं नहीं जाए हम तो नहीं बैठे बोली चलो कोई बात नहीं भगवान कन्हैया ने एक नई चाल चली लली करिश्मा अरे काली काली दर काली प्याली चढ़ाओ तो नीला हर में घर में खोयो तो उठ के बैठो अभी सिया रे मेरे
काली राधा राधा के खोल दो हमारे गए जो इतनी बात कही सोई राधा ने आके खोली और एकदम देखने लगी का चक्कर है कछु दर्द वर्द तो ना हुई ना। प्रभु ने पूछी क्या हालत है प्रभु ने पूछी क्या हालत बिटिया बोली तुम्हें जानो प्रभु ने पूछा अब दर्द कहां राधा बोले खुदाई जानो प्रभु ने पूछी असलियत का बिटिया बोली तुम पहचानो प्रभु ने पूछा इसका मतलब लाडो बोली खुदाई जानो प्रभु ने पूछा असलियत का बिटिया बोली तुम्हें जानो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जब पूछा क्या बात है तब राजा ने बताया श्याम कोई बड़ी बात नहीं हमने जो कही इन आंखों से किसी और को नहीं देखेंगे तारा चंद भैया तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा वरदान देते हुए कहा हे राधे रानी हम तुझसे प्रसन्न क्या आत्मिक सच्चो मो प्रेम मेरो तुमसे कभी सच्चो प्रेम मेरो तुमसे कभी न प्यारा जो पद है लक्ष्मी सीता का वही पद है देवी तुम्हारा महाराज प्रभु जब प्रसन्न वही त्रिपुरा अब तो धन धन राधिका के तूने